प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग की और बताया कि 21 जुलाई को प्रातः 10:11 बजे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से सीधे फूलबाग स्थित 11:20 पर वीरांगना रानी लक्ष्मी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी वीरांगना लक्ष्मी समाधि की समाधि स्थल से दोपहर 12 बजे सीधे ग्वालियर के मेला ग्राउंड में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने भरोसा जताया और कहा कि प्रियंका गांधी की यह यात्रा न केवल राजनीतिक दृष्टि से ऐतिहासिक होगी बल्कि 2023 के इलेक्शन में बीजेपी ग्वालियर चंबल अंचल में खाता तक नहीं खोल पाएगी। पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर के मिश्रा ने कई सवाल भी खड़े किए। के मिश्रा ने पटवारी भर्ती परीक्षा को व्यापम पार्ट 3 घोटाला बताया। व्यापम पार्ट 1 में भी ग्वालियर के माफिया शामिल थे, उसके बाद व्यापम पार्ट 2 वाया कृषि विस्तार अधिकारी में फर्जीवाड़ा हुआ। पटवारी परीक्षा पार्ट 3 सामने आई है, इसमें सरकार और मंत्री मिलकर घोटालेबाजों को बचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री घोटालेबाजों को क्लीन चिट दे रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में पैसा देने वाले अभ्यर्थियों की वीडियो हमने देखी है। एक अभ्यर्थी ने 15 लाख रुपए देने के बाद स्वीकार की है, लेकिन सरकार ने उसका मुंह दबा दिया। जनता के रुख को देखते हुए मैं दृढ़ता पूर्वक विश्वास पूर्वक कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी की यह यात्रा न केवल राजनैतिक दृष्टि से ऐतिहासिक होगी वरन ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जनता के रुख को देखते हुए मैं डबल रिपीट कर रहा हूं कि चुनाव परिणामों की दृष्टि से भी यह यात्रा ऐतिहासिक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में देगी और मैं यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं बरतूंगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी शायद खाता भी ना खोल पाए। ग्वालियर चंबल संभाग में जो माननीय अशोक सिंह साहब ने हमें दी है, सुबह 11 बजे 21 तारीख को प्रियंका जी यहाँ पधारेंगी एयरपोर्ट पर। 12:20 पर वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 11:20 पर उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाएंगी और संकल्प लेंगी इस देश के तिरंगे की रक्षा के लिए, क्योंकि 21 तारीख को प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, 22 तारीख को हमारे तिरंगे का जन्मदिवस है। हमारे देश के तिरंगे का जन्मदिवस 22 जुलाई है, तो वो एक दिन पूर्व उस वीरांगना माँ के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाकर संकल्प लेंगी इस तिरंगे का, क्योंकि आज इस देश में तिरंगा, इस देश का संविधान, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तिजोरी और अपनी जेब में रखकर घूम रही है। तो वो संकल्प भी 24 घंटे पहले आदरणीय प्रियंका गांधी जी ग्वालियर से लेंगी और 11:30 बजे सभा स्थल पर वे पहुंचेंगी मेला ग्राउंड पर। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग 10 और 10:15 के बीच सिक्योरिटी कॉर्नर से वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि आप लोगों को होने वाली असुविधा से मंच पर हम लोगों को दर्द होता है। भ्रष्टाचार हो, घोटाले हो, घपले हो, उनमें हमारा गर्व तब्दील हो चुका है। अब तो यहां तक कि 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी 15-15 लाख में बेरोजगारों को, अयोग्य लोगों को, मूर्ख लोगों को रोजगार देकर कीर्तिमान बना रहे हैं। हाल ही में व्यापम घोटाला पार्ट 1, कृषि विस्तार अधिकारी का पार्ट 2 और पटवारी भर्ती परीक्षा में जो पार्ट 3 सामने आया है, उसने मध्य प्रदेश के नौजवानों के आगे अंधेरा परोस दिया है। जब व्यापम घोटाला हुआ 90 अरब रुपयों के भ्रष्टाचार से जुड़ा, जब वह घोटाला 21 जून 2014 को मैंने भोपाल में उठाया, मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी, 2 साल की सजा हुई घोटाला उठाने वाले को, जिन बच्चों ने इस भ्रष्ट सरकार के बैठे मंत्रियों, अफसरशाहों, शिक्षा माफियाओं और दलालों को पैसा दिया,